नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक श्रोताओं, मैं रश्मि हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई बातें लेकर। हमारे हिस्ट्री एंड मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही अपने चारों बेटों को देश के अलग अलग भागों का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। शुजा को बंगाल, मुराद को गुजरात और औरंगजेब को दक्षिण भारत का गवर्नर बनाया था। बड़ा बेटा दारा शिकोह आगरा में ही रहकर पिता के साथ सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल रहा था। दक्षिण में औरंगजेब की बढ़ती लोकप्रियता से दारा शिकोह खुद को असुरक्षित समझता था, इसलिए उसने शाहजहां को भड़काकर औरंगजेब से ये जिम्मेदारी छीन लेने की चाले शुरू कर दी। मई 1644 में जब औरंगजेब अपनी बहन जहानारा से मिलने दिल्ली पहुंचा, तो शाहजहां ने उसे दक्षिण की सूबेदारी से इस्तीफा देने को कहा और ये ऐलान कर दिया कि औरंगजेब से दक्षिण की जिम्मेदारी वापस ली जाती है। औरंगजेब इस ऐलान से स्तब्ध रह गया। औरंगजेब ने शाहजहां की बात मानते हुए दक्षिण की सूबेदारी से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दुख के क्षण में औरंगजेब ने कुरान का सहारा लिया और अध्यात्म के रास्ते पर पढ़ने लगा। उसने अपने जीवन को पूरी तरह सादगी पूर्ण बना लिया और फकीराना जीवन गुजारने लगा। वो दिन भर फकीरों की सोहबत में रहता और इस्लाम पर चर्चा करता। लेकिन औरंगजेब की इस फकीराना तबीयत को शाहजहां ने अपना अपमान समझा। शहंशाह हिंद का पुत्र फकीरी जीवन गुजारे, ये उसे मंजूर नहीं था। शाहजहां जानता था कि औरंगजेब ने ये रवैया उन पर दबाव बनाने के लिए अपनाया है, इसलिए उसने औरंगजेब के सामने झुकने के बजाय और सख्त रवैया अपनाते हुए औरंगजेब से कहा कि अगर उसने फकीरी चोला नहीं उतारा तो उसे शाही खजाने से मिलने वाला भत्ता और शहजादे को मिलने वाली सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। लेकिन औरंगजेब पर इस फरमान का कोई असर नहीं हुआ। उसने शाहजहां को खबर भिजवाई कि अब वो फकीर बन चुका है, अब उसे दौलत से भला क्या काम, शहंशाह जो चाहे सजा दे सकते हैं। औरंगजेब की इस फकीराना तबीयत से उसकी माँ मुमताज और बहन जहां आरा भी काफी दुखी थी। दबाव के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का शासक नियुक्त कर दिया, जहां पहले से ही मुराद बख्श मौजूद था। शाहजहां का मानना था कि मुराद बख्श के रहते औरंगजेब गुजरात में मनमानी नहीं कर पाएगा और उस पर दबाव भी बना रहेगा। औरंगजेब ने भी इस फरमान को मानते हुए गुजरात का शासन संभाल लिया। इस तरह मुमताज महल ने अपने बेटे को फकीर होने से बचा लिया। लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह बनने के बाद भी औरंगजेब की फकीराना तबीयत बरकरार रही। औरंगजेब को इसीलिए जिंदा पीर कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री की एक और नई पेशकश, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको प्रतिदिन नए नए अपडेट्स मिलते रहे। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।